जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास पहली बार पौड़ी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा की जा रही पहल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर जनपद मुख्यालय में उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपनी 10 साल की समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों से प्रदूषण रोकने के लिए या तो रहें सड़क से हटाया जाएगा या फिर उनका कुछ उपचार किया जाएगा। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कि भाजपा में महिलाओं का जो सम्मान होता है वो बरकरार है और भाजपा ही महिलाओं का सम्मान करती है, तो मैं भाजपा संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिला पौड़ी मुख्यालय की जो जिम्मेदारी दी है, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं अब उनकी कसौटी पे खड़ा होंगे और मेरे जो चुनाव आयोग नगर पालिका प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस जिले में आए हैं। उन्होंने कई जगह योजनाओं का निरीक्षण किया है और आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यथाशीघ्र इन कामों को जो है जल्द से जल्द पूरा करें। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए अपनी प्रदेश सरकार की ओर से और अपने संगठन के निर्देश पर प्रत्येक प्रभारी मंत्री को अपने जनपद मुख्यालय में रहने का निर्देश हुआ है। इसी क्रम में मैं आज पहली बार पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ आगमन मेरा हुआ है। जैसी मैं अपने जनपद में